दरवाजे पर अपराधियों ने किया फायरिंग, आक्रोशित किन्नरों ने किया सड़क जाम। रविवार की देर रात कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया में किन्नरों के दरवाजे पर अपराधियों ने की फायरिंग। घटना से नाराज किन्नरों ने सोमवार की सुबह आरा सरैया मुख्य मार्ग को आगजनी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। घटना कृष्णागढ़ थाना इलाके की सरैया की है, जहां सरैया में एक साथ रहने वाली किन्नरों के घर के बाहर बीती रात असामाजिक तत्वों ने पहले पटाखा छोड़ा और फिर दरवाजे पर हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। जाम कर रही किन्नरों के मुताबिक घटना से डर कर सभी किन्नर रात में ही कृष्णागढ़ थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें उनके साथ किसी के मजाक किए जाने के बाद कहते हुए वापस लौटा दिया। इसी बात से नाराज होकर सोमवार की अगली सुबह ही 50 से ज़्यादा की संख्या में किन्नरों ने सरैया बाजार को आगजनी कर जाम कर दिया और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। नाराज किन्नरों के मुताबिक स्थानीय बदमाश अक्सर उन्हें परेशान करते रहते थे और बीती रात भी उन्होंने उनके घर के बाहर आकर फायरिंग की, जिसकी सूचना देने के बाद भी पुलिस ने उन पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें वापस लौटा दिया। सड़क जाम कर रही किन्नरों ने स्थानीय बदमाशों पर कार्रवाई ना किए जाने। अब सड़क जाम क्यों किए हैं? सड़क जाम इसलिए किए हैं, रात में हम लोग गए थे और पुलिस स्टेशन, वहाँ से हमें न्याय नहीं मिला। रीजन क्या थी? रीजन ये थी, रात में 11 बजे रात को हमारे रूम पे दंगा हुआ है, जैसे कि हमारे रूम पे बम फोड़ा गया है, गोली चली। कौन लोग बम फोड़े हैं? अब ये हमें नहीं पता है कौन नहीं है। जब यहाँ पे बुकिंग के लिए आता है कोई तो डायरेक्ट कहता है बहुत अच्छी अच्छी डांसर है, ये तो हमको, वो तो हमको, ये चाहिए वो चाहिए। जब पैसे नहीं दोगे तो जाएगी कैसे डांसर? कहते हैं इसको भेजो नहीं तो गोली मार देंगे, यही होती है। और ये कंप्लेन करने के लिए हम थाने पे जाते हैं तो थाना वाला क्या बोलता है कि कोई मजाक किया है, यहाँ पे जीजा साली का खेल हो रहा है, मजाक हो रहा है, खा पी करके सोया था पुलिस, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, जाओ तुम अपने रूम पे, कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम आते हेल्प के लिए, कुछ नहीं मिलती है। अभी यहाँ के पुलिस को धारा 377 क्या होती है ये नहीं पता है, LGBTQ क्या होती है ये नहीं पता है। अभी कौन सी सरकार इसको नौकरी दे दी है जिसको राइट्स नहीं पता है, ट्रांसजेंडर के राइट्स क्या होते हैं, अभी कुछ नहीं पता है। अभी यहाँ पे हम लोग ये रोड जाम किए हैं तो पुलिस वाला आकर के क्या कह रहा है, मेरे लंड का फोटो खींचो। क्या है ये, वीडियो बना रहे लोग तो सबको मार रहा है, मारने को दौड़ रहा है, क्या है ये? पुलिस वाले को तो यहाँ पे चूड़ी पहन लेनी चाहिए। यहाँ के लोगों को अगर कोई कह दे कि हम यहाँ के लोगों को किसी से हम 1 रुपए जोर जबरदस्ती लिए हो, अगर हम एक माचिस भी लेते हैं तो उसका 1 रुपए दे करके जाते हैं, फिर क्यों हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, ये बताओ। तो आप लोग कब तक जाम कीजिएगा? जब तक जाम करेंगे जब तक यहाँ पे DSP, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं यहाँ